नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र दांगी। मौसम पूर्वानुमान में आज आप जानेंगे आने वाले 10 दिन के दौरान 26 जून से लेकर 5 जुलाई तक देश भर में बारिश का अनुमान। साथ में दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पश्चिम भारत में कब पहुंचेगा, मौसम प्रणाली और बारिश के अनुमान के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक करना न भूलें। सबसे पहले जानते हैं 26 जून से लेकर 5 जुलाई तक देश भर में बनने वाली विभिन्न मौसम परिस्थितियों के बारे में। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 30 जून से लेकर 5 जुलाई तक अफगानिस्तान और लद्दाख जम्मू कश्मीर के पास पश्चिमी विक्षोभ बनेगा। 1 और 2 जुलाई को पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पंजाब और राजस्थान से लगे हुए क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी बन सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 29 जून को एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा, जो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचकर 1 जुलाई को कम दबाव के क्षेत्र के रूप में बदल सकता है, जो 2 और 3 जुलाई को सौराष्ट्र कच्छ में पहुंच सकता है। 1 और कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा के आसपास 2 जुलाई को बन सकता है। ये 5 जुलाई तक मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पहुँच सकता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर 26 और 27 जून को यानी 48 घंटों के दौरान एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा। साथ में उत्तर पूर्वी अरब सागर के कोंकण के पश्चिम क्षेत्र में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र आने वाले 3 दिन के दौरान बना रहेगा। अब जानते हैं 26 जून से लेकर 30 जून तक बारिश के अनुमान के बारे में। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में 70% बारिश होने का अनुमान है। सामान्य से 30% कम बारिश होगी। मध्य भारत की बात की जाए तो जहाँ पर सामान्य से 30% अधिक बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी भारत में 10% कम बारिश होगी। दक्षिण भारत में 10% अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस प्रकार 26 से 30 जून तक देश भर में 98% बारिश होने का अनुमान है, यानी 2% बारिश में कमी रहेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति की बात की जाए तो 29 और 30 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य क्षेत्र, कानपुर, लखनऊ, उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र, गुजरात के भी पूर्वी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच सकता है। बारिश की बात की जाए तो 28 जून से उत्तर भारत में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश होगी। 29 जून से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी और 30 जून को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान के मध्य क्षेत्र, पंजाब में भी हल्की बारिश का अनुमान है। 29 और 30 जून को राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का भी अनुमान है। अब जानते हैं मध्य भारत के मौसम के बारे में, जहां पर मध्य प्रदेश में 27 जून से हल्की से मध्यम बारिश होगी। 2 से 3 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, विदर्भ में भी तेज बारिश का अनुमान है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में 2 दिन के दौरान भारी बारिश का भी अनुमान है। 29 और 30 जून को मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। पश्चिम भारत के मौसम की बात करते हैं, जहां पर कोंकण, गोवा में भारी बारिश की स्थिति लगातार बनी रहेगी। कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात भी खासकर दक्षिणी कोंकण, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, गोवा में देखने को मिल सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र में भारी बारिश होगी। दक्षिणी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी। 29 और 30 जून को गुजरात, सौराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान है। अब जानते हैं पूर्वी भारत के मौसम के बारे में। आने वाले 5 दिन के दौरान बिहार, झारखंड के उड़ीसा के अधिकतर भागों में बारिश होगी। गांगे पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होगी। बिहार के तराई वाले क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो जहाँ पर लगातार तेज बारिश की स्थिति बनी रहेगी। अब जानते हैं दक्षिण भारत के मौसम के बारे में। आने वाले 5 दिन के दौरान 26 से 30 जून तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्र में भारी बारिश होगी। उत्तरी क्षेत्र में भी तेज बारिश होगी। दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र की बात की जाए तो तटीय कर्नाटक में भारी बारिश की स्थिति बनी रहेगी। केरल, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के उत्तरी और आंतरिक क्षेत्र में भी तेज बारिश का अनुमान है। शेष इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। मौसम पूर्वानुमान में आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं 1 से 5 जुलाई तक बारिश के अनुमान के बारे में। सबसे पहले उत्तर भारत की बात की जाए तो जहां पर 95% बारिश होने का अनुमान है। सामान्य से 5% कम बारिश होगी। मध्य भारत में सामान्य से सबसे ज़्यादा 50% अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान पूर्वी भारत में 20% कम बारिश होगी। दक्षिण भारत में 10% अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस प्रकार देश भर में 1 से 5 जुलाई तक 12% अधिक बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जाए तो 1 से 5 जुलाई के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली के सभी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के अधिकतर भागों, राजस्थान के पूर्वी
उत्तर पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई। साथ में गुजरात सौराष्ट्र के सभी क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच सकता है। बारिश की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों में जमकर बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी तेज बारिश का अनुमान है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश होगी। शेष इलाकों में हल्की, कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश का अनुमान है। मध्य भारत की बात की जाए तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम भारत में कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान है। पूर्वी भारत में झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल के भी अधिकतर क्षेत्र में बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य, दक्षिण भारत के भी अधिकतर क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी। तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान है। देश के अधिकतर राज्यों में 1 से 5 जुलाई के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना रहेगा और अधिकतर क्षेत्र में सामान्य से 12% अधिक बारिश होने का भी अनुमान है।